और ये उत्तराखंड और महाराष्ट्र की टीम के बीच मुकाबला। इस समय खिलाड़ियों का परिचय होगा। उत्तराखंड की टीम में है उमेश सिंह, जय सिंह और मोहन। महाराष्ट्र की टीम में है प्रथमेश और ओजस प्रवीण। लाइन जज गंगा राजू। तो ये मुकाबला थोड़ी देर में शुरू होगा। कंपाउंड पुरुष टीम कांस्य पदक का मुकाबला 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत संस्कार धाम अहमदाबाद। निर्देश देते हुए इस समय लाइन जज गंगा राजू खिलाड़ियों को, खिलाड़ियों के साथ उनके कोच भी स्पर्धा स्थल पर होते हैं और शूट करने के बाद वे उन्हें सलाह देते हैं। उत्तराखंड के सबसे पहले आ रहे हैं उमेश सिंह, जिन्होंने अपना कांस्य पदक का मुकाबला गंवाया था गुरविंदर के साथ। यहां पर जरूर कोशिश होगी पदक जीतने की, 8 पर निशाना साधा है। और अब बारी है जय सिंह की। जय ने 9 पर निशाना साधा है। मोहन रामस्वरूप भारद्वाज, ये कंपाउंड पुरुषों की टीम का कांस्य पदक का मुकाबला। और बुलजाई को हिट किया है यहां पर मोहन ने, 10 अंक जुटाए हैं अपनी टीम के लिए। और अब बारी है टीम महाराष्ट्र की। सबसे पहले ओजस प्रवीण निशाना साधते हुए, दबाव होगा इन पर कि टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई जा सके। 10 पॉइंटर, कमाल की शुरुआत। और अब हैं प्रथमेश समाधान, दो प्रथमेश हैं इस टीम में, प्रथमेश समाधान और प्रथमेश बालचंद्रा। प्रथमेश समाधान इस समय निशाना साधते हुए एक और 10 पॉइंटर आता हुआ। क्या कमाल की शुरुआत की है महाराष्ट्र की टीम ने। प्रथमेश बालचंद्र नौ अंक और 3 तीर के बाद देखें तो 27 अंक उत्तराखंड ने हासिल किए हैं और महाराष्ट्र के नाम है 29 अंक। 2 अंक की बढ़त है महाराष्ट्र के पास। और अब उमेश सिंह, पदक फिसल गया था व्यक्तिगत स्पर्धा में, 9 पॉइंटर हिट किया है। जय सिंह, और जय सिंह का 7 अंक पर यह निशाना, ये बतलाने के लिए काफी है कि पहले दौर के बाद एडवांटेज बिल्कुल महाराष्ट्र के पक्ष में जाने वाला है। मोहन रामस्वरूप अगर 10 पॉइंटर हिट करते हैं तो अंतर कम हो सकता है, लेकिन बढ़त महाराष्ट्र की तरफ। 10 पॉइंटर और अभी जब तक ओजस प्रवीण आ रहे हैं, टेन पॉइंटर पर हिट किया है, 53 अंक हासिल किए हैं उत्तराखंड की टीम ने पहले दौर में। प्रथमेश समाधान 10 पॉइंट को हिट किया था अपने पहले प्रयास में और इस बार 9 अंक पर निशाना साधा है। 6 अंक अगर हासिल कर लेते हैं प्रथमेश बालचंद्रा तो पहले
दौर के बाद बढ़त पर चली जाएगी महाराष्ट्र की टीम। एक और बुल्जाई और कुल मिलाकर 4 10 पॉइंटर आए हैं, तो 59 अंक यहां पर हासिल करने में सफलता पाई। 58 अंक है महाराष्ट्र का टीम टोटल पहले दौर के बाद, और उत्तराखंड का टीम टोटल है 53। तो जसवंत 5 अंक की बढ़त पर चली गई है महाराष्ट्र की टीम पहले दौर के बाद। ठीक कह रहे हैं आप आनंद, और ये सफर फाइनल तक कैसे तय किया है। उत्तराखंड ने राजस्थान को हराया था और दिल्ली से पराजित हुए थे कंपाउंड में टीम मुकाबले में, जबकि महाराष्ट्र ने जम्मू कश्मीर को पराजित किया था और पंजाब से वे हार गए थे। रही बात ओवरऑल चैंपियनशिप जब हुई थी उस समय, हम आपको बतला दें कि उत्तराखंड की टीम का 5वां स्थान था, जबकि महाराष्ट्र की टीम का 3रा स्थान था। इस समय महाराष्ट्र की टीम ने 4 10 पॉइंटर लगाए थे और 2 9 पॉइंटर, 58 पे महाराष्ट्र का टीम टोटल जाना चाहिए। ऑफिशियल स्कोर की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो शुरुआत ही गड़बड़ हो गई थी जसवंत, पहला 8 पॉइंटर, फिर 9 पॉइंटर और एक जो 7 पॉइंटर लगाया था। उत्तराखंड का सामना महाराष्ट्र से हो रहा है कांस्य पदक के कंपाउंड पुरुषों की टीम स्पर्धा में। जी हाँ, 53 अंक उत्तराखंड के हैं और 58 अंक हासिल किए हैं महाराष्ट्र के, और देखिए कितना बढ़िया प्लेसमेंट है वहां पर। सावाज को दोनों टारगेट जोन के बीच रखा गया है उत्साह बढ़ाने के लिए कि आप निराश ना हो, और जो टीम के समर्थक हैं साथी खिलाड़ी हैं वो हौसला बढ़ाते हुए साइडलाइन से। और कॉल टाइम के बाद अब ये शूटिंग टाइम शुरू होता हुआ नजरें बनाए रखिए उमेश सिंह पर, खाली हाथ नहीं लौटना चाहेंगे। इंडिविजुअल का पदक फिसल चुका है, 9 पॉइंटर आता हुआ। जय सिंह नाइन पॉइंटर आता हुआ एक बार फिर, 5 अंक की जो बढ़त है महाराष्ट्र को, उस फासले को पाटने के लिए 10 पॉइंटर जरूरी है। क्या यहां पर राम स्वरूप भारद्वाज कुछ कमाल करेंगे। एक और 9 पॉइंटर महाराष्ट्र, ओजस निशाना साधते हुए। और 10 ओजस, उत्साह है टीम में और बढ़त को बनाए रखने का निश्चय किया है लगता है इन्होंने। प्रथमेश समाधान, और इस बार सेवन प्रथमेश भालचंद्र, 10 तो दबाव तो बना दिया है आनंद अब महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने उत्तराखंड पर। और ये उमेश, और इस बार बिल्कुल सही बुला इस पर, 10 अंक जय सिंह उत्तराखंड के। लगातार 2 बार 10 मोहन रामस्वरूप, इन पर बड़ी जिम्मेदारी है महाराष्ट्र के खिलाफ इस मुकाबले में। 9 महाराष्ट्र के खिलाड़ी अब
ओजस सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है इस समय कंपाउंड पुरुष टीम का। ओजस नाइन, प्रथमेश समाधान महाराष्ट्र के। अच्छा कॉम्बिनेशन है तीनों खिलाड़ियों का। और देखिए 10 जो बढ़त मिली है उसका पूरा बनाए रखने की कोशिश प्रथमेश भालचंद्र। और 10 तो लगातार अपनी स्थिति को सुधारते हुए। जसवंत स्कोर की बात करें तो दूसरे सेट के बाद स्कोर है महाराष्ट्र 114 अंक और उत्तराखंड की टीम जो है वो 109 पर है। 5 अंक का फासला बरकरार है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि दूसरे सेट में उत्तराखंड ने 56 का स्कोर किया और महाराष्ट्र ने भी 56 का स्कोर किया, लेकिन जो पहले सेट में महाराष्ट्र का स्कोर 58 का था और उत्तराखंड का 53 का था, वहीं पे ये मामला 114-109 पर पहुंच गया है। तो दूसरे दौर पे तो बराबरी का मुकाबला रहा, लेकिन पहले दौर में जब मुकाबला महाराष्ट्र की पक्ष में 5 पॉइंट का था, वहीं पर है आधिकारिक स्कोर की हमें अब भी प्रतीक्षा है। तो कहने का मतलब आनंद, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो महाराष्ट्र की टीम जो है वो अपनी स्थिति को सुधारते जा रही है और मजबूती प्रदान कर रही है। उनके खिलाड़ी लगातार अधिक अंक अर्जित कर रहे हैं। तो ये इतनी गर्मी है यहाँ पर, मैदान ओपन फील्ड में ये मुकाबला होता है और इस समय जानकारी लेते हुए लाइन जज गंगा राजू महाराष्ट्र के खिलाड़ी महाराष्ट्र की टीम ने 5 अंकों की बढ़त ले ली है और कांस्य पदक मुकाबले में उन्होंने अपनी पोजीशन बहुत अच्छी कर ली है। उमेश सिंह उत्तराखंड के, हर बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 9 जय सिंह उत्तराखंड के, कंपाउंड मेन टीम है ये। जय सिंह बड़ी जिम्मेदारी उन पर, 9 मोहन राम स्वरूप उत्तराखंड के तीरंदाज। और इस बार 9 अगर महाराष्ट्र उत्तराखंड को वापसी करनी है तो वो ये भी उम्मीद कर रहे होंगे कि महाराष्ट्र के तीरंदाजों का निशाना जो है वो कहीं ना कहीं ब्लू जोन की तरफ जाए, तभी ये 5 पॉइंट की भरपाई हो सकती है, नहीं तो ये जो पदक है महाराष्ट्र की तरफ ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है अब तक के परिणाम के हिसाब से। 10 पॉइंट आता हुआ यहां पर ओजस प्रवीण ने 10 पॉइंटर के साथ शुरुआत की है और अब प्रथमेश समाधान। एक और 10 पॉइंटर, अगर प्रथमेश बालचंद्र भी 10 पॉइंटर लगा देते हैं तो बहुत बड़ी गैप हासिल कर लेंगे वो उत्तराखंड से। 9 अंक पर निशाना लगा है महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने, ज्यादा
गंभीरता से खेल दिखाते हुए अपनी टीम को मजबूती प्रदान की है। और इस समय उत्तराखंड के उमेश 9 पॉइंट कांस्य पदक का मुकाबला, जयसिंह उत्तराखंड के 9 पॉइंट्स और तीसरे खिलाड़ी मोहन राम स्वरूप उत्तराखंड के। और इस बार 8 ओजस प्रवीण। ये पुरुषों का मुकाबला चल रहा है कंपाउंड। 53 अंक हासिल किए हैं जसवंत इस दौर में उत्तराखंड की टीम ने और अब तक 29 अंक जुटा चुकी है। और इसके साथ एक और 10 पॉइंटर आता हुआ, ये मुकाबला महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट होता हुआ, मोमेंटम पूरी तरीके से चला गया है महाराष्ट्र की तरफ और उत्तराखंड की वापसी की राह जो है वो लगभग दरवाजे बंद होते हुए। प्रथमेश समाधान 9 और प्रथमेश बालचंद्र अगर 10 पॉइंट पर हिट करते हैं तो बढ़त बहुत बड़ी हो जाएगी। आउटर सर्कल पर 10 माना जाएगा यहां पर। 58 अंक एक बार फिर हासिल कर लिए हैं इसमें। एक 162 अंक पर पहुंची है उत्तराखंड की टीम और यहां पर और यहां से ऐसा लग रहा है कि शायद अंकों का जो फासला है वो 10 अंक का हो जाएगा। आधिकारिक स्कोर की हम प्रतीक्षा करेंगे। 162 स्कोर पक्का है यहां पर उत्तराखंड का और 172 के आसपास जा सकती है महाराष्ट्र की टीम। अभी स्कोर कैलकुलेट होता हुआ यहां पर। आनंद, जो स्कोर किया है महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने, हर खिलाड़ी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और लगभग एक जैसा प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को लगातार एक जैसा नहीं बनाए रख सके, उसकी सबसे बड़ी वजह है। तो कांस्य पदक का ये मुकाबला उत्तराखंड और महाराष्ट्र की टीमों के बीच कंपाउंड मेन टीम इवेंट में। 4 10 पॉइंटर इस दौर में आए हैं महाराष्ट्र के लिए इस राउंड में और एक भी 10 पॉइंटर उत्तराखंड के लिए नहीं आया है। और यही पर जो फासला है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर ये 10 अंकों का फासला है तो बहुत कुछ बचेगा नहीं उत्तराखंड के लिए, क्योंकि 10 अंक का फासला एक दौर में वो तभी हो सकता है जब दो तीरंदाज ब्लू जोन पर हिट करें। 163 का स्कोर आया है उत्तराखंड के लिए और देखना होगा कि 172 या फिर 171 के आसपास पहुंचती है महाराष्ट्र की टीम। एक 172 है तो 9 अंकों का फासला बहुत ज्यादा मुश्किल है यहां पर कवर अप करना उत्तराखंड के लिए। दुआ कर रहे होंगे उत्तराखंड के खिलाड़ी कि सभी 10 पर हिट करें और महाराष्ट्र के खिलाड़ी ब्लू जोन की तरफ जाएं, लेकिन अगर मगर का खेल नहीं होता, आपके हाथ से मुकाबला लगभग फिसल गया है। गंगा राजू लाइन जज शूटिंग लाइन पर, उमेश सिंह वरिष्ठ खिलाड़ी बड़ी जिम्मेदारी और इस बार 10 पॉइंटर के साथ शुरुआत की है। जय सिंह उत्तराखंड के खिलाड़ी तीरंदाज। और इस बार 9 मोहन राम स्वरूप निशाना साधते हुए। अंतर कम करना है तो 10 पॉइंटर पर ही लगाना होगा निशाना। 9
महाराष्ट्र की बारी है अब। ओजस प्रवीण, ओजस का निशाना 10 पे 10, 10 कदम यहां पर ओजस के लिए, और प्रथमेश समाधान इस लीड को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 9 पॉइंटर। महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को जो अवसर मिल रहा है उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं और अपने योग्यता को यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रथमेश बालचंद्र, नॉन पर निशाना साधा है तो बराबरी है इस समय। बराबरी का मतलब यह है कि जो फासला बना हुआ था 9 अंक का, वो फासला अब भी बरकरार है और कांस्य पदक महाराष्ट्र की तरफ अब भी है। उमेश सिंह व्यक्तिगत स्पर्धा का कांस्य पदक गंवा दिया था, लेकिन 10 में 10 सेकेंड 10 पॉइंटर इस चौथे दौर में आता हुआ उमेश की तरफ से। जय सिंह का भी निशाना लगा है 10 पर, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और वापस आने की कोशिश है, हिम्मत नहीं हारा है इन्होंने, आनंद उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने, लेकिन मैथमेटिकली इस कंपटीशन से लगभग बाहर हो गए हैं। 9 पर निशाना साधा है, यानी अंतिम राउंड से 57 अंक हासिल की है उत्तराखंड की टीम ने, और 57 का मतलब यह है कि 220 पर टीम टोटल फिनिश किया है उत्तराखंड ने। एक और 10 पॉइंटर आता हुआ ओजस प्रवीण की तरफ से, बड़े अंतर से जीतेगी महाराष्ट्र की टीम। प्रथमेश समाधान, तीनों खिलाड़ियों ने इतना बेहतरीन आपसी सामंजस्य का परिचय दिया है आनंद, जब भी उन्हें मौका मिला आगे बढ़ने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपना आत्मविश्वास नहीं खोया, लगातार अच्छा अंक अर्जित कर रहे हैं। एक और 10 पॉइंटर आता हुआ और इस तरीके से महाराष्ट्र ने जीत लिया है कांस्य पदक। अंक टीम टोटल है फाइनल महाराष्ट्र का, और 220 पर फिनिश किया है उत्तराखंड ने, तो 10 अंक के बड़े फासले से महाराष्ट्र ने कंपाउंड के पुरुष टीम स्पर्धा का कांस्य पदक अपने नाम किया है। महाराष्ट्र की इस तिकड़ी ने प्रथमेश बालचंद्र फुगे, प्रथमेश समाधान और ओजस प्रवीण ने क्या कमाल के निशाने लगाए हैं इस अंतिम दौर में भी। 4 10 पॉइंटर आता हुआ उनकी तरफ, और इस 4 10 पॉइंटर ने बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया है। कुल मिलाकर 15 10 पॉइंटर आए हैं इस कांस्य पदक के मुकाबले में महाराष्ट्र के लिए, और 15 10 पॉइंटर ये बताने के लिए काफी होते हैं कि आपका फॉर्म किस तरह का है। तो महाराष्ट्र ने जीत लिया है कंपाउंड मेन टीम इवेंट का कांस्य पदक।